हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने हस्बैंड का फेवरेट डिश बनाने वाले हैं, काबुली चना जो होता है उसी के छोले बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये छोले, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं फ्रेंड्स। और छोले की रेसिपी काबुली चना से मैंने बहुत 3-4 तरीके के शेयर किए हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इसे हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, अभी तक आपने देखा नहीं होगा, बनाया नहीं होगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काबुली चने को 4 से 5 सीटी लगा के और उबाल लिया है। जब प्रेशर कुकर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद से इसे ओपन करें और मैं आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ। जो चने हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने 4 से 5 व्हिसल लगाया है। अब यहाँ पे हम छोले बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और साथ में डालेंगे 1 हरी इलायची, 2 भी ले सकते हैं आप। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे 1 इंच का, और साथ में यहाँ पे हींग डाल देंगे 2 पिंच। और जब सारी चीज़ें भुन जाए तो इसमें ऐड करेंगे रफली कट किए हुए प्याज। यहाँ हमने यहाँ पे प्याज को पीसा नहीं है, मैंने कट करके एकदम बारीक, देख सकते हैं मैंने कट किया। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं फ्रेंड्स। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि थोड़ा इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब तक ये प्याज भून रहा है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खूब ढेर सारी हरी धनिया के पत्ते ली है, 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं छोटे बड़े, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 हरे मिर्चें लिए हैं। तीखा आपको कम पसंद हो तो कम भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक जार में डाल के और पीस लेंगे, और अदरक को आप कट करके डालें नहीं तो वो जल्दी पीसते नहीं हैं। और मिर्च को हम तोड़ के डाल देंगे। बिल्कुल अलग तरीका बताएंगे इस छोले को बनाने के लिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार ऐसा ज़रूर बना के ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे हरियाली छोला भी बोल सकते हैं क्योंकि वो ग्रीन थोड़ा दिखता है। और यहाँ मैं 1 टमाटर कट करके ऐसे ही डाल दूँगी, आप इसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं, मतलब चटनी नमक डाल दें, चटनी भी आप इसे बना के और ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं जो मैंने मिक्सचर लिया था वो अच्छे से मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं। तो इसे हम उसी प्याज वाले जो फ्राई करें उसी में डालेंगे। तो प्याज को देख लेते हैं, देख सकते हैं जो प्याज है वो अच्छे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, मैंने धनिया पाउडर लिया है साथ में 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे डाल के हम कुछ सेकंड पका लेंगे, क्योंकि जो ड्राई मसाले होते हैं जल्दी से भुन जाते हैं, उसे टाइम नहीं लगता भुनने में। हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भुने, नहीं तो जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमने पीस के रखा है धनिया, लहसुन, अदरक, उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका कलर पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हरियाली छोले बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हल्दी जो है वो यूज़ ना करें, तो जो छोले हैं बिल्कुल ग्रीन जैसा दिखेगा और काफ़ी टेस्टी ये लगता है छोला। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, ऑयल रिलीज हो चुका है इसमें से। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और टमाटर की प्योरी, मैंने यहाँ पे टमाटर 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं फ्रेंड्स, अच्छे से इसका पेस्ट तैयार किया है, उसके बाद से ऐड किया है। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल रिलीज ना कर दे, टमाटर को पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे चाहे तो ढक के भी पका सकते हैं, हाई फ्लेम करके आराम से जल्दी से पका सकते हैं। और ये देख सकते हैं टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है मसालों के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की जगह दही ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, उससे भी ये छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दही में जो ड्राई मसाले थे वो ऐड कर ले, उसके बाद से इसमें ऐड कर दें। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो जो हमने काबुली चने उबाल के रखे थे उसे ऐड कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा थिक अप चाहते हैं तो इसमें से कुछ चने निकाल के आप मैश करके भी डाल सकते हैं, और मसालों के साथ इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसकी थिकनेस जो है आप जितना गाढ़ा पतला करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। तो आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक दिख रही होगी, तो यहाँ पे हम पानी डालेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम
अभी जो प्रेशर कुकर में पानी था मैंने वही ऐड किया है, कम लगेगा तो हम और इसमें ऐड करेंगे। अभी मुझे पानी जो है काफ़ी कम लग रहा है क्योंकि इसे थोड़ा सा हमें पकाना भी है मसालों के साथ, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने एक छोटा ग्लास ऐड किया है पानी, उसके बाद से मिक्स कर देंगे और इसे ढक के 7 से 8 मिनट तक हम पकने देंगे उबलने के बाद से। तो ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसे ढक देते हैं और फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं मसालों की भुनाई हमने बहुत अच्छे से करी है, साइड से तेल बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये है कि जो हमने मसालों की भुनाई की थी बहुत अच्छे से की थी और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसमें से। तो थोड़ा सा हम ये कलछी से ही ऐसे काबुली चने को मैश कर देंगे ताकि थोड़ा सा ग्रेवी और थिक हो जाए। ये देख सकते हैं ऐसे मैश कर दें। इसके बाद से हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, हरा धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ। यहाँ पे आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगा। ये ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरे धनिया की पत्ती डाल दी है और इसे मिक्स कर देंगे। और ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स आप इसे नान, लच्छे पराठे या सादे पराठे जो होते हैं किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ट्राई ज़रूर करिए।